दो अभियुक्तों के साथ 14 किलो 700 गांजा को किया बरामद। एसडीपीओ ने दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी। राजमहल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विमलेश कुमार त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस अधीक्षक साहेबगंज को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि राजमहल थाना क्षेत्र के ग्राम सरकंडा टपुआ टोला के शेखर मंडल अपने किराए के दुकान में अवैध रूप से गांजा की बिक्री कर रहे हैं। सूचना की सत्यापन एवं आवश्यक कार्य हेतु अंचलाधिकारी राजमहल के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। उक्त छापेमारी दल के द्वारा शेखर मंडल पिता सुभेश मंडल के घर पर विधिवत छापेमारी की गई तथा उनके किराने की दुकान से 30 पाउच पुड़िया वजन करीब 100 ग्राम गांजा को जब्त किया गया एवं शेखर मंडल के निशानदेही पर तीन पहाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत इनायतपुर गांव के भरत मंडल पिता के घर से 14.600 किलो गांजा को बरामद किया गया। साहिबगंज ब्यूरो दीपक देशमुख की रिपोर्ट। 11/5/24 को पुलिस अधीक्षक साहिबगंज के द्वारा मिले गुप्त सूचना के आधार पर राजमहल थाना क्षेत्र और दिनपहाड़ थाना क्षेत्र से दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से कुल 14 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। इस पर राजमहल थाना में कांड संख्या 57/24 NDPS एक्ट के सुसंगत धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। आज गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अपेक्षा में भेजा गया। सर अभी अनुसंधान किया जा रहा है, अग्रतर अनुसंधान में जो भी पता चलेगा। राजमहल थाना क्षेत्र से 14 किलो 600 और राजमहल थाना क्षेत्र से लगभग 100। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।